लेफ्ट में कोई नहीं है। अरे क्या बात है, थोड़ा सा इधर हम क्या करेंगे। बस क्या बात है, थैंक यू आज मैं नॉमिनेटेड हूँ फॉर एस एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2022 एंड आई एम सो हैप्पी। ओके सो अवार्ड मिलने वाला है या यू आर जस्ट क्या कुछ कहना है अवार्ड्स? ऑफकोर्स अवार्ड आपको मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपको अपने आप पर, और इतनी ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। आर यू वॉचिंग बिग बॉस? नो, आई एम नॉट वॉचिंग। थैंक यू सो मच। आइए सर यहाँ। रोहित सर सेंटर लुक ये ओके थैंक यू बाय। सर बताइए आज के अवार्ड के बारे में। हमारा तो कॉमेडी सीरीज में ही आपको पता ही है जो होता है, अभी जो घर पर अवार्ड दिया जा रहा है जिसमें हम भी शामिल हैं। सब सर द काइंड ऑफ जोनर यू हैव बीन वर्किंग विद द कॉमेडी और क्या कह रहे हैं हम आपने सब कुछ करते देख पाएंगे मैं कॉमिक एक्टर नहीं हूँ और ना ही मुझे कॉमिक एक्टर बनना है। आई एम एन एक्टर हु कैन डू कॉमेडी बट द जोनर इज ट्रूली लव्ड बाय द ऑडियंस। हाँ कुछ समय के लिए रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ एनी अदर प्रोजेक्ट्स विच अभी हम लोग एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बने हैं जी टीवी के बिकॉज इट्स अ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता ही होगा अब जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो अपने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जब तक है तब तक है, उसके बाद फिर OTT होगा मेरे लिए। मैं OTT ज्वाइन करूँगा। डेफिनेटली टीवी तो रहेगा नहीं अभी, OTT रहेगा, डिजिटल माध्यम ही रहेगा क्योंकि सबके हाथ में ये है। So that was the only reason that you opted for an OTT. OTT में एक्सप्लोर भी कर रहे हैं ना, एक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, डायरेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफर एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग विषय को कर रहे हैं। हम सिर्फ सास बहू में नहीं है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू सर। भूमिका जी बस 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 यहाँ पे देखिए सामने बिल्कुल आपके सामने जी कॉफी हो रही है। साथ में। अरे नहीं कॉफी लगा आपके सामने हम लगा दी आपके सामने बिल्कुल लुक हियर भूमिका जी इधर आइए थोड़ा आगे। मैम साथ में नाइस जोड़े पैसे के गिरे में थैंक यू। कौन है आइए मैम बाय। ये तो कर रहा ठीक ना दोनों तो बड़ा तुम पूछो ना समीरा इधर तो ये दोनों लोगों को एक क्वेश्चन। हाय अभी हाय कैसे हो आप? बस बढ़िया आप कैसे? आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत ही एक्साइटेड हो। कैमरा लुक देना अवार्ड के लिए आज की शाम के लिए बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स यू नो अवार्ड फंक्शंस में आना सबको पसंद है स्पेशली एनी एक्टर्स गेटिंग चलेगा ये होना ही था मैं आई हूँ ना अभी होना ही था। अच्छा आई थिंक समर विल हैव टू फिक्स दिस आगे रख दो कोई बात नहीं संभाल लेंगे।
Thank you. हाँ so of course I'm excited and any award show जहाँ पर actors को felicitate किया जाता है and of course बहुत सारा encouragement मिलता है और अच्छा लगता है तो yes I'm excited. जानना चाहेंगे कौन सी category के लिए nominated हो आप लोग आज के award के लिए? Well honestly मैंने ज़्यादा questions नहीं पूछे but they told me they're gonna be felicitating me but it's more of on the talent and of course you know it's a very good opportunity for me and I feel obliged कि they still think for good talent and you know अच्छा लगता है जब ऐसे सम्मानित किया जाता है कहीं भूमिका projects की बात करें तो क्या कुछ pipeline में है क्या कहना चाहोगे absolutely there's a lot in pipeline because that is why थोड़ा सा मैं गायब हो रही हूँ थोड़ा well I have just first schedule एक web show का मेरा पूरा हुआ है उसका second schedule is going to be in Jan and I am doing in a Ross film as well very soon but let's see. I just don't know right now how and when it's going to be coming out. But it's too soon to actually say anything about the projects. But definitely there are some good projects in the life. Big Boss, कितना follow कर रहे हो? क्या कहना चाहोगे? More than all. Any friends? किसे जानते हो? No, no, not this year. Not this season. किसी को मिली? Like कुछ भी नहीं देखा अभी तक. We don't get the time actually. I mean, whatever time I get, हम दोनों को जो भी time मिलता, हम लोग we invested in. Working out, staying healthy, and other work and stuff. So we're not getting that time to watch Big Boss. Thank you. Thank you. Award upar, award upar. Award upar, upse bhai. बहुत अच्छा लग रहा है अभी काउंसलर के लिए मिले वैसे बड़े टाइप का एंड रियली हैप्पी मधु सर ने मुझे देखा है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिशनरी इन द इंडस्ट्री एंड आई ऑलवेज से मेहनत में रब बसता है और आई थिंक माय हार्ड वर्क एंड माय डिसिप्लिन माय ऑनेस्टी गॉट मी हियर आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग मी दिस कीप लविंग मी एवरीवन थैंक यू भाई बिल्कुल थैंक यू भाई थैंक यू था वापस से थोड़ा वर्ड ऊपर है थैंक यू अभी इधर मैम अरे हाँ भाई डर आ रहा है ले ये को नहीं मिल रहा है गोल्डन भाई सर लुक हियर प्लीज ए भाई दादा दादा आ जाओ ए सिक्योरिटी अरे भाई ये कौन है अरे मेरा ठीक है इधर लेफ्ट में भाई लेफ्ट में मैम लेफ्ट इधर टर्न हो जाना दादा या यू आर लुक हियर प्लीज चलो थैंक यू बुला के आगे इधर बुला के आगे भाई यहां पे सेंटर से बुला के इधर 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 भाई ए रुको 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 भाई तभी शुरू मत कर दो रो लाइक सेवन नो ए बहन बहन दादा अरे दादा अरे 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 स्टार्ट रोलिंग यस रोल क्या कुछ कहोगे गोल्डन बॉयज आज आप लोग आए हो अवार्ड के बारे में और कौन से कैटेगरी में आप लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं नॉमिनेट हुए क्या बताना चाहोगे अभी अंदर जाने के बाद बाहर आने के बाद बोलेंगे ना सर अभी जस्ट आए हम लोग ओके एंड बात करें तो बिग बॉस के बाद पहला इवेंट हम देख रहे हैं तो क्या कुछ कहोगे अंदर का कैसा रहा एक्सपीरियंस उन सबके लिए क्या बताना चाहोगे मेरा ड्रीम था 5 सालों से सबसे पहले तो मैं बिग बॉस को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि हमें इनवाइट किया था थोड़ा आगे से ना थोड़ा आगे वहाँ पर और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इसलिए मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था बिग बॉस में जाने का हमने एक चीज देखा आप स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे थे क्या वो उस चीज का नहीं मुझे लगा था कि वो स्क्रिप्टेड है पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है वो पूरा रियल शो पूरा रियलिटी शो है
जब मैं अंदर गया ना तो मुझे लगा यार कुछ कुछ ना कुछ होगा स्क्रिप्टेड, तो ऐसे कुछ भी नहीं था। जैसे गए उन लोग ने पट्टी बांधा था, हम लोग जैसे एंटर किए उसके बाद जो मुझे लगा ना बहुत डर गया था अंदर जाने। लाइफ में पहली टाइम डरा रहेगा मैं अंदर बिग बॉस के घर में। अब आप कितना किसे सपोर्ट करते हो, क्या कहना चाहोगे? मैं अर्चना गौतमी को सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज दोस्त है, और शालिन भाई को भी करना चाहता हूँ, शिव को करना चाहते हो, और प्रियंका, क्योंकि मेरे वाइफ को प्रियंका बहुत पसंद है। एमसी स्टैंड के बारे में क्या कहना चाहते हो? एमसी एक्चुअली बहुत मेरा छोटा भाई है पर वो अंदर नहीं रहना चाहता, आपने देखा होगा उसके एपिसोड्स में वो बहुत रोता है अंदर, लेकिन वो अंदर रहेगा तो विन होने वाला। अंदर आइए ना थोड़ा दादा, हो सकता है अगर अंदर वो अगर अंदर होगा रहेगा, अंदर रहेगा तो विन ही होगा। लेकिन वो जितना यू नो इतना डाउन होके खेल रहे, क्या लगता है ऑडियंस उन्हें, भले ही उनको फैंस उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, क्या लगता है वो जिस तरह के रैपर होना चाहिए वैसे वो दिख नहीं रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है अंदर, क्योंकि वो रैपर से पहले मेरा दोस्त है, हम दोनों भी पुणे से है आप सबको पता है, तो वो बहुत डर गया एक्चुअली अंदर, उसको मम्मी पापा की बहुत याद आ रही। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए तो आपने देखा होगा कि वो इतने दिन का पूरा जो नाराजगी थी उसके फेस पर, हम लोग जाने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ था, और हम लोग जैसे बाहर भी निकल रहे थे तो रात में एक दिन पहले वो मुझे बोल रहा था मेरे को बहुत रोना आ रहा है, आप लोग जाएंगे तो मैं अंदर रह नहीं पाऊंगा, तो प्लीज आप कुछ भी करिए, और वो तो सब बिग बॉस के हाथ में, रखना नहीं रखना। भाई ने तो गौतमी को सपोर्ट किया, वो ठंडा रह रहा है वो गेम है, क्योंकि अभी क्या है अंदर जो माहौल है उसको वो कैच कर रहा है, क्योंकि वो अभी ठंडा रहेगा, बाद में जो उसके साथी है वो जब नॉमिनेट होंगे तो फिर वही बचेगा, और आपको तो पता है बिग बॉस वोट के ऊपर जीतते ना ही अंदर कुछ गेम है उसके ऊपर। सलमान जी से कुछ आपकी बातचीत हुई क्या, किस तरह का आप लोग का बॉन्ड रहा सलमान जी के साथ? आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब सलमान से आप लोग मिले थे, क्या कहना चाहोगे, एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम लोग बहुत बड़े फैन भी है सलमान भाई के, और बहुत बड़े फैन भी हम लोग सलमान भाई के, और सलमान भाई की वजह से हमको मौका भी मिला है बिग बॉस में आने का। लॉन्चिंग के बताएंगे ना, आप सब लोग को इनवाइट करने वाला है ना, हमें पार्टी भी देने वाला और इनवाइट भी करने वाला। अच्छा, आपके हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन है, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है किसको सपोर्ट कर रहे हो? आई थिंक अब्दुल, यू आर सपोर्टिंग अब्दुल? आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई फील सो, बट प्रियंका इज प्लेइंग गुड एंड शालिनी इज प्लेइंग गुड टू। आप प्रियंका को सपोर्ट कर रहे हो तो उनकी जोड़ी कैसी लग रही है, प्रियंकित की जोड़ी? दे आर रियली गुड, बट यही है अंकित थोड़ी स्लो है और प्रियंका थोड़ी फास्ट है, और जैसे वो प्रियंका चला रही है अंकित को, आई होप वो बिग बॉस जीत जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों अंदर रहकर आए हो, कौन लगता है आपको फेक है और कौन रियल लगता है? बिल्कुल टीना फेक लगी, शालिन को बहुत भागा थी पीछे, रियल में भी मैं उसके साथ था घर में हम लोग, टीना पर सच में बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी है, पर मुझे ऐसा लगा कहीं तो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि फिजिकल हम लोग वहाँ पे थे सामने, मुझे ऐसा लगा कहीं तो शालिन भाई ने नहीं भागने मांगता उसके पीछे। दादा ये आप विजुअल्स प्लीज कर लेते, प्लीज प्लीज थोड़ा 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 विजुअल्स, विजुअल्स लाइट चालू करो जरा, अरे बैटरी ले ले इससे। भैया सबसे पहला कहना चाहेंगे कि राधे राधे, क्योंकि वृंदावन से आए। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि अवार्ड क्या होता है, अवार्ड क्यों देना,
अवार्ड जो हम दे रहे हैं या अवार्ड किस लिए किया जा रहा है, ज्योति जी ने जो कार्य किया है, इस कार्य का एक ही बात है कि आप सबको एक बात कहना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान था, ये जो अवार्ड फंक्शन है उन लोगों को दिया जाना जिसे आप सोशल आप मीडिया वाले, अब आप में से कोई ऐसा भी काम कर देता है जो इतिहास रच होता है, तो जो आप इतिहास रचते हैं उसमें भी आपको प्रोत्साहन मिले, इसलिए काफी अच्छी वाइब चल रही है, बहुत नॉलेज मिल गया आई थिंक आप लोगों को। सदाब भाई आप कैसे? थैंक यू, काफी खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ब्लैक सूट्स ऑन यू। रियली? आई होप ये मेरे स्टाइलिस्ट भी सुन रहे हैं, अभी मैं ब्लैक ज्यादा पहनूंगी। चलिए आउटफिट से शुरुआत करते हैं। आउटफिट के लिए और मैं अपनी टीम को लेके बहुत लॉयल हूँ, मैं कभी चेंज नहीं करती, तो गेट भी है जो मुझे सालों से स्टाइल कर रही है और आगे भी वही करेगी, तो उन्हीं का आउटफिट रही। और आज की शाम के बारे में क्या है? आज की शाम के लिए मैं आई थिंक हम लोगों को काफी एक छोटी सी वर्कशॉप तो मिली गई है मेरे आने से पहले, तो नॉलेज तो हमें मिल ही गया है कि अवार्ड फंक्शन क्यों होते हैं, तो we know it very well, but I am very excited कि हम लोग यहाँ पे हैं and बहुत सारे awards मिलते हैं आजकल, तो you know कोई अगर एक रह भी जाए तो दूसरे में हम लोग आ जाते हैं, तो but it's always an encouragement जब एक artist को award मिलता है, पता लगता है कि हाँ आप सही track पे हैं, सही जा रहे हो, तो I think ये एक जरूरी होता है। मीका पाजी के साथ आपका project आने वाला है, उसके बारे में अगर? जी मीका पाजी भी आने वाले थे, वो ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट डेफिनेटली हम लोग भी काफी एक्साइटेड है, और कुछ करना है तो अच्छा ही करना है, ये शुरू से हमारा आइडिया था, बस वो आइडिया क्रैक हो जाए उसी का वेट कर। आकांक्षा बीच में यू नो एक न्यूज आ रही थी कि आपका मेघा जी का ब्रेकअप हो गया है, तो ये रूमर है कौन है ये लोग जो ये न्यूज ब्रेकअप होने के लिए? आई थिंक पहले एक हम लोग ने हमेशा से बहुत क्लियर रहे कि हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमेशा से रहे और आगे भी उसी फ्रेंडशिप को ही कंटिन्यू करेंगे, तो ब्रेकअप होने के लिए आई थिंक पहले एक रिश्ता उस जैसा होना चाहिए, हम लोग ने एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जोन में तो है नहीं, एंड दोस्ती इतनी गहरी है सालों से तो आगे भी रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, शायद रिश्ता थोड़ा सा डेवलप हो जाए किसी और चीज़ में, बट दोस्ती तो कभी नहीं। ओके, बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बिग बॉस इस बार मैं काफी कम फॉलो कर रही हूँ एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर सीजंस, बट और मुझे ऐसा लगा थोड़ा बहुत बस भी नहीं, तो मुझे अपडेट्स आप लोगों से मिलते रहते थे इधर उधर पोस्ट में, वो थोड़े कम दिख रहे हैं इस बार, बट आई थिंक बिग बॉस है तो बस तो होता है, स्पेशली सलमान खान सर हैं, एंड जब तक वो है आई थिंक एवरीबडी विल एटलीस्ट वॉच वीकेंड का वन, तो मजा आ रहा है, रिश्ते इस बार इतने अच्छे बनते दिख नहीं रहे मुझे उसमें, कभी मुझे लगता है बहुत अच्छे कपल हैं फिर उनका कुछ लगता नहीं है, तो आई डोंट नो, आई जस्ट होप कुछ रियल और ज्यादा देखने को मिले। आप किसे पसंद कर रहे हो, आपका फेवरेट कौन है? आई थिंक बहुत सारे हैं जो मुझे, मैंने जितना लाइक आई टोल्ड यू इतना फॉलो नहीं किया, बट आई थिंक अब तो सबके फेवरेट हैं, एंड मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे निमृत, टीना, बहुत ही सबका एक अलग अलग पार्ट है जो अच्छा लग रहा है मुझे, एंड लेट्स सी मे द राइट पर्सन विन। आकांक्षा आज सिद्धार्थ का बर्थडे भी है, क्या कहना चाहोगे? I don't know यार, इस बात पे ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं पाऊंगी, बट मुझे लगता है कुछ लोग आपकी लाइफ में हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न के लिए आते हैं, और वो रीज़न हमेशा याद रखना चाहिए, उन लोगों के साथ जो आपने स्पेशल मोमेंट स्पेंड किए हैं वो याद रखना चाहिए, एंड डेफिनेटली बहुत इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली काफ़ी लंबा वक्त गुजारा है मैंने उनके साथ, तो सिद्धार्थ का बर्थडे है तो डेफिनेटली स्पेशल है, और जहाँ भी रहें खुश रहें, एंड बस यही दुआ है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू आकांक्षा जी।